सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त परमानंद पब्लिक स्कूल में एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं सिवान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज सिंह से और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ सरकार करने वाली है निकट भविष्य में बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए, और क्या है पिछड़ेपन का कारण। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म धरती जीरादेई का। नेताजी, हमारे राज्य की सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है पलायन की और बेरोजगारी की। अभी जो लॉकडाउन है इसमें तो आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व जो है त्रस्त हो चुका है और पूरी जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गई है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है तो हम बिहारियों की हुई है, क्योंकि बिहार में कल कारखाने उद्योग धंधे नहीं होने के कारण जो पलायन की स्थिति हुई है और जो कहीं ना कहीं हम लोग शर्मसार हो रहे हैं। तो इसके लिए हमारी जो सरकार है वो क्या करने वाली है, या आप लोग स्थानीय स्तर पे, जिला स्तर पे इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, बिहार में जी 60 दशक के बाद जी 1960 के बाद जी कोई इंडस्ट्री बिहार में नहीं लगा जी जी, और ये जो अंतराल हो गया लगभग 60 साल जी, 60 साल में कोई नई इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी जी। 60 के पहले शुगर मिल हुआ करती थी, विशेष रूप से सिवान में 3-3, 4-4 शुगर मिल हुआ करती थी जी जी। बिहार में तो बहुत ज़्यादा संख्या था, जूट मिल था जी जी, और कई तरह की इंडस्ट्री थी, रिफाइनरी हुआ, खाद कारखाना हुआ फलौनी में, फिर और ज्वाइंट बिहार था उस जी। उसके बाद कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं लगा जिसकी वजह से रोजगार लोगों को मिले जी, जिसका परिणाम हुआ कि हमारे बिहार के लोग जी कुशल मजदूर जी दूसरे प्रदेशों में जा करके पैसा कमाने के लिए मजबूर हुए जी। 15 साल के कार्यकाल में, लालू राबड़ी के कार्यकाल में अपराध बढ़ा जी, जिसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में पलायन जी, कुछ लोग अपनी जमीन जायदाद को बेच कर चले गए जी, और जो गए वो समृद्ध हो गए, अच्छे हो गए जी। लेकिन जो मजदूर क्लास के लोग कमाने के लिए गए जी वो आज तक हैंड टू माउथ हो गए जी जी, माने कमाना और खाना उनकी दिनचर्या बन गया जी जी। ये बिहार और बिहारियों के लिए शर्म की बात है कि इतनी भारी संख्या में बेरोजगार दूसरे राज्य में रोजगार देते हैं और वहाँ के जीडीपी में अपना योगदान देते हैं जी जी, और अपने श्रम का उपयोग दूसरे राज्य में करते हैं जी जी। लेकिन आज के एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व की सरकार जी, ये योजना बना रही है कोरोना के बाद जी जी, कोरोना के बाद बहुत सारा परिवर्तन होने जा रहा है जी, और ये योजना बना रही है कि हमारे बिहारी मजदूर जिस भी प्रदेश में है जी, जो उनके पास स्किल्ड है, कौशल है, उसको पहचान के आधार पर उनके पहचान करके जी, उनका लिस्ट बना करके उसके आधार पर हम यहाँ उद्योग धंधे छोटे कुटीर उद्योग लगा करके उनको रोजगार मुहैया कराएं जी। दूसरी बात कि जितने लोग प्रवासी मजदूर आए हैं जी, उनको क्वारंटाइन करने के बाद उनको 1,000 रुपए खाते में सरकार दे रही है जी जी। केंद्र सरकार अनाज का भंडार खोल दिए हुए हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको 2 महीने को अनाज दिया जाएगा जी, खाने के लिए दाल चावल सहित जो भी देना है जी। तो हर संभव बिहार की सरकार कर रही है और केंद्र सरकार उसमें भरपूर सहयोग कर रही है जी। हम उम्मीद करेंगे अपने मुख्यमंत्री से, अपने उप मुख्यमंत्री से, अपने स्वास्थ्य मंत्री से, अपने लेबर मिनिस्टर से, अपने जो बिहार के जितने भी ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं, ताकि रोजगार बिहार के मजदूरों को मिले जी। इसके लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान भी हुआ है बिहार में जी, कि उनको मनरेगा के माध्यम से उनको तत्काल रोजगार दिया जाए जी, और बाकी उनके स्किल के हिसाब से, उनकी क्षमता, उनकी कौशल कुशलता के हिसाब से यहाँ पर इंडस्ट्री लगाया जाए, कुटीर उद्योग लगाया जाए और उनको उसमें समावेश करने की व्यवस्था की है। ऐसी हमारी सरकार सोच रही है और उस पर काम भी आगे बढ़ा रही है जी। सर, एक बात बताइए, जो भाजयुमो के नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं, हरपी यादव से लोग क्या आशा रखें और क्या विश्वास रखें कि क्या वो युवाओं को अच्छे रास्ते दिखाएंगे, युवाओं के लिए कुछ रोजगार सृजन करने में मदद करेंगे? देखिए, हरपी यादव नौजवान है जी, और नौजवान से ही उम्मीद किया जा सकता जी जी, बूढ़े से उम्मीद नहीं हो सकती जी जी। नौजवान है जी, एनर्जेटिक है जी, ये हमें उम्मीद है कि युवाओं को राजनीतिक दृष्टि से भी मार्ग दिखाएंगे जी, और सरकार से, अपने पदाधिकारियों से बात करके स्वरोजगार, अपने युवाओं को स्वरोजगार दिलाने में भी
उनका अहम रोल होगा, अहम भूमिका होगा। जी सर, हम जीरादेह से आते हैं, मेरा घर जो पड़ेगा जीरादेह में पड़ेगा और जीरादेह में हमारा कार्य क्षेत्र भी है, तो सबसे बड़ी समस्या जो है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जन्म धरती होने के बावजूद भी जीरादेही पिछड़ा क्यों रह गया और क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है जी। लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उपेक्षा किया जी जी, सिर्फ नेहरू परिवार जी को लेकर कांग्रेसियों ने चला जी, और राजेंद्र बाबू और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री को इग्नोर किया गया जी। जब तक थे तब तक थे, उसके बाद उनको एक उपेक्षा का शिकार बना करके उनको मुख्य धारा से राजनीति से अलग कर दिया जी, ताकि उतने विद्वान आदमी को सदुपयोग नहीं किया गया जी। राजेंद्र बाबू जैसे विद्वान आदमी का भारत के कांग्रेस नीत सरकार ने उनका सदुपयोग नहीं किया जी, नहीं तो आज न बिहार ऐसा होता न देश ऐसा होता जी, दुनिया में भी देश का नाम रोशन होता राजेंद्र। देखिए वो तो और समय मिला जी, वो तो अतीत की बात है, उस समय हम पैदा भी नहीं लिए होंगे, लेकिन जब से हम होश संभाले हैं उस हिसाब से हम देखते हैं और जानते हैं कि हमारे पहले मतलब इसके पिछले जो सांसद साहब थे वो जीरादेही को गोद लिए हुए थे, उसके बाद भी हम अभी देखते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा हुआ है जीरादेही। उसके लिए छोड़िए, हम अतीत की बात नहीं करें, अभी वर्तमान में क्या किया जा सकता है जिससे जीरादेही का जो नाम है विश्व पटल पर उभर के आए और लोगों को नजर में सम्मान मिले जो मिलना चाहिए। देखिए, आपने अतीत को जब छोड़ने की बात की जी, तो ओम प्रकाश यादव जी को भी अब छोड़ जी, अब नए से बात कीजिए जी, जी क्या करना चाहते हैं जी 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 जी, उनको जो होना था वो कर दिए जी। अब तो जब आपने कह दिया कि अतीत को छोड़ दिया, हाँ, कहा कि कांग्रेस जी जी की सरकारों ने उपेक्षा किया जी जी जी, फिर आपने कहा कि ओम प्रकाश जी को दिए, कितना सक्षम हुए 10 साल में उन्होंने किया जी। आज जो बचा है अब नए सांसद से, एनडीए के सांसद हैं, जदयू के सांसद जी जी, पूछी तो क्या नहीं, उन लोगों से भी सवाल रहेगा, आप लोगों से भी सवाल है, हमारे नए नेता जो चुने गए हैं बाजुनों के जिला अध्यक्ष एपी यादव जी से भी हम लोग, हम युवाओं को खासकर ज्यादा आशा विश्वास है कि ये युवाओं को एक नया दिशा प्रदान दिखाएंगे जी, हम लोगों को भी विश्वास। और हम जहाँ तक सोचते हैं कि दलगत राजनीति और इन सब चीजों को हटा करके अगर सिवान के भविष्य की बात अगर किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, देखिए, दलगत तो हटता नहीं है जी जी, दलगत आज कोरोना में हट गया जी जी जी, लड़ाई युद्ध होगा तो हट जाएगा, अन्यथा उसके बाद तो दल रहेगा जी जी, विचारधारा रहेगा जी, उसी विचारधारा के तहत हैप्पी यादव नौजवानों को युवाओं को रोजगार मुहैया भी कराएंगे जी जी, उनको सलाह देंगे, देखिए कराना इनका काम जी जी जी, सजेस्ट कर देना कि आप ये काम कीजिए, आपको आय बढ़ेगी, कुशल नेतृत्व जो होता है वही करेंगे जी। तो उम्मीद है कि अच्छा हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको भी। CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त परमानंद पब्लिक स्कूल में एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें।